ओके, तो बस अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पे इस टाइप की फोटोज और वीडियोस बस बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं इस टाइप की वीडियोस के ऊपर। तो बस अगर आप भी इस टाइप की फोटो या फिर वीडियो बनाना चाहते हो तो बस आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को कहीं पे भी कट मत करना और बस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ओके, तो गाइस देखो इसके लिए करने का सबसे पहले, हाँ गाइस, आपको भी फोटो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। और गाइस आपका अपने नाम कैसे लिखना है, अपने जर्सी के पीछे, टी शर्ट के पीछे, गाइस आपका अपने नंबर कैसे लिखना है, आपको सारा कुछ बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। अभी गाइस देखो क्या करना है, आपका टाइप करना है anupsagar.com, ठीक है। सो मैं आपका टाइप करके दिखाता हूँ। गाइस आपका इतना टाइप करना है, देन आपको सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब गाइस आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है, ये जो, हाँ गाइस आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है, मेरी वाली वेबसाइट है। अब देखो आपके सामने यहाँ पे ये वाली पोस्ट आ जाएगी। अगर गाइस नहीं आती है बाय चांस तो क्या करना है, आपको पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है AI क्रिकेट इमेज, ठीक है। सो मैं आपको भी टाइप करके दिखा देता हूँ। आपका पे इतना टाइप करना है, देन आपको पे सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। गाइस आप ऑटोमेटिक ये वाली पोस्ट आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है, आपका पे इस वाली पोस्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे इसके फोटो पे भी क्लिक कर सकते हो। देन आपको नीचे की साइड आना है और देखोगे आपका क्रिएट योर इमेज, आपका पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले पे। अब देखोगे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वो ही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने अभी पहले से कॉपी करके रखा है सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब गाइस आपका इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है और जब आप अपनी वीडियो बनाओगे तो गाइस आप स्क्रीन शॉट में देख देख के इससे यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और गाइस देखो आपका पे दो चीज चेंज करनी पड़ेंगे, गाइस आपका पे मेरे वाले नाम को हटाना है और आपका पे अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। और गाइस आप जर्सी के पीछे जो भी नंबर चाहते हो आपका पे इस वाले नंबर को हटा देना है और आपका पे अपना नंबर लिख लेना है, ठीक है। और देखो गाइस अगर आप यहाँ पे किसी और कंट्री के लिए बनाना चाहते हो, जैसे फिलहाल गाइस मैं यहाँ पे इंडिया के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से देख रहे हो तो आप यहाँ पे इससे हटा के अपनी कंट्री का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका पे इतना करना है, देन आपका पे क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब गाइस देखो आपका पे डायरेक्ट क्रिएट वाला ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। गाइस पहले आपका पे लॉगिन करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, अपना एक नया अकाउंट बना सकते हो। तो आपका पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, गाइस बहुत ही आसान है, आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो गाइस आपका पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। और गाइस कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है क्योंकि गाइस आप एक साथ बहुत सारे बंदे इस वाली वेबसाइट का यूज करते हैं तो गाइस काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो आपका पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और गाइस कभी कभी यहाँ पे ये फेल भी हो जाता है, सो आपको पे अच्छी तरीके से करना है। गाइस मेरे यहाँ पे एक ही बार में बन चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, गाइस यहाँ पे चार फोटो आ चुके हैं, आप यहाँ पे इनका भी यूज कर सकते हो। और गाइस अगर आपका पे इनका यूज नहीं करना है, आपको फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। आप एक बार और फोटो बन के आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, गाइस आप चार फोटो और बन के आ चुके हैं। सो मैं गाइस यहाँ पे पहले वाला ही चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस मैं यहाँ पे ये वाला फोटो चूज कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पर क्लिक करेंगे, चूज करेंगे और देखो आपका पे डाउनलोड करना है, तो आपका पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन आपका पे डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आप ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ पे फोटो तो बन चुके हैं, पर गाइस अभी क्या करना है, जो सबसे ज्यादा मेन काम है, आपको यहाँ पे अपनी वीडियो एड करनी है, ठीक है। तो देखो वो कैसे कर सकते हो, उसके आपको सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं। तो बस उसके लिए करना क्या है, देखो गाइस आपका भी पहले प्ले स्टोर पे जाना है और गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना सिक्योर VPN और गाइस आपका भी इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा है, सो गाइस मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देन आपको कनेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना, आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अभी क्या करना है, देखो आपका भी कनेक्ट जरूर से कर लेना है, उसके बाद गाइस आपको कैपकट ऐप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस वाले ऐप की। अब देखो ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कैसे करना है, गाइस वीडियो को देखते रहो, आगे आपको बता दूंगा, आप इसे गाइस इजिली जाके डाउनलोड कर सकते हो बस एक क्लिक के अंदर। देन आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपको भी फोटो वाले ऑप्शन क्लिक करना है, आपका सब नहीं फोटो सिलेक्ट कर लेनी है, गाइस जो कि हमने ऐसे अभी के भी बनाई थी, ठीक है। तो क्लिक करेंगे, चूज करना, देन आपका पे ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, गाइस यहां पे हमारी फोटो आ चुकी है। अब देखो क्या करना है, आपका पे इस पे क्लिक करना है, गाइस आपको ऐसे इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप यहां पे कर सकते हो। सो गाइस फिलहाल मैं आप इसे इतना कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो आपका पे इसका फ्रेम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे बैक करना है, गाइस आपको पे रेस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपका पे 9:60 वाला चूज कर लेना है, देन आपका पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो बस अभी बिल्कुल ध्यान से देखना, आप
आपका पे वीडियो कैसे एड करना है उसके आपको सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वो सभी क्या करना है, आपका पे ओवरले वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, एड ओवरले वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और गाइस देखो, आपको वीडियो वाले ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका पे एक वीडियो देखने के लिए मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो चाहिए तो गाइस इसकी लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गाइस आप इसे एक क्लिक में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको एड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, सो गाइस हमारी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो। अब गाइस आपका परफेक्ट तरीके से कैसे एडजस्ट करनी है अपनी टीवी के ऊपर, गाइस वो सबसे ज्यादा मेन काम है, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी कट मत करना अभी। तो गाइस अभी क्या करना, देखो आपका इसको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा अपने टीवी के हिसाब से। तो गाइस आपका भी साइड में स्लाइड करना है, और देखो गाइस आपका भी क्रॉप वाले ऑप्शन क्लिक करना है, मतलब इस एडिट वाले ऑप्शन क्लिक करना है और ऐसे क्रॉप वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपको इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, आप देख सकते हो। सो गाइस आप थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं और आपका पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अब गाइस आपको भी बीच में ला के रखना है, ठीक है, आपको भी छोटा करना है और आपका पे ऐसे ला के रखना है, गाइस आपका बिल्कुल बीच में ला के रखना है, याद रखना है। सो आप बीच में आ चुका, तो अभी क्या करना है, आपका भी परफेक्ट तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है, अपने टीवी के ऊपर। तो गाइस क्या करना है, आपका अपनी वीडियो के क्लिप पे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करेंगे और गाइस आपका मास्क वाले ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले पे। तो गाइस आप क्लिक करेंगे, देन आपका पे रेक्टेंगल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस देखो आपका पे इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप इसे इतना करेंगे और गाइस आपका पे इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करना है और आपका पे इतना कर लेना है। सो गाइस आप हो चुका है। अब देखो गाइस आपका पे अपने मॉडल के पीछे भेजना है, तो देखो गाइस वो कैसे कर सकते हो उसके आपको सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको पहले राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, देन आपको आगे की तरफ आना है और गाइस आपका अपने फोटो को अपने वीडियो के बराबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और आपका पे स्प्लिट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आगे के पार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे। गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी फोटो की लेयर पर क्लिक करना है, साइड में स्लाइड करना है और आपका पे कॉपी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले पे। देन गाइस आपका इसके कॉपी वाले पार्ट पे क्लिक करना है, इस वाले पे, और गाइस आपका पे ओवरले वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है, इस वाले पे। गाइस आप जो इसका पार्ट होगा यहाँ पे वो नीचे की साइड आ जाएगा, देन आपका पे इस पे ऐसे क्लिक करना है और आपका पे शुरू में लेके आ जाना है, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो गाइस आपका बिल्कुल शुरू में लेके आ जाना है, तो यहाँ पे आ चुका है। अब देखो आपका पे नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है, फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको साइड में स्लाइड करना है, गाइस आपका पे कट आउट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है, और आपका पे रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। गाइस आपका पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे गाइस ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और गाइस अभी हो भी चुका है। देन आपका पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वीडियो पीछे पहुंच चुकी है और गाइस आप बहुत अच्छी तरीके से प्ले हो रही है, गाइस आप बहुत अच्छी तरीके से लिया, ठीक है। अब गाइस अगर आप यहां पे साउंड लगाना चाहते हो, आपको यहां से बैक करना है और गाइस आपको साउंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपको यहां पे एक साउंड वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, और इस वाली साउंड वाली वीडियो की लिंक भी आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इस पे क्लिक करना है और आपको एड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है, गाइस आपको ऑटोमेटिक साउंड निकल के आ जाएगा और गाइस आपको आ चुका है, आप यहां पे देख सकते हो। और इस साउंड की लेंथ को आपको अपनी वीडियो के बराबर कर लेना है, ठीक है, तो उस पे क्लिक करेंगे और आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आगे के पार्ट को क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। सो गाइस वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, पर गाइस आपको एक काम जरूर से करना है, आपका पे वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपकी जो यहाँ पे वीडियो है, ठीक है, ये वाली जो वीडियो है, गाइस आपका पे इसके वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कर देना है, देन आपका राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आप वीडियो को चला के देखते हैं अभी। तो वैसे वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं, देन आपका भी वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आप ऑटोमेटिक ये वाली वीडियो आप गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस आप जिस कैप का टाइप का यूज किया है, तो गाइस ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया और गाइस लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल की। और गाइस आप मैंने जितनी बाकी सारी चीजों का यूज किया है, तो गाइस सबकी लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगी, गाइस बहुत सारी रिसर्च लगी, तो गाइस वीडियो को बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाना और गाइस चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑलवेज जरूर से कर देना। और गाइस वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताना।